ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संगति का असर पाठ का प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैं आप लोग से यही भी कंफर्म कर लेती हूँ कि आप लोग मुझे एक बात बताएंगे, ये पाठ का प्रश्न उत्तर मैम ने आपको दिया था, ठीक है, एक वीडियो बना करके उसका आंसर लिख करके आपको दिया था, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये पाठ का प्रश्न उत्तर नहीं किया है। सो जिन बच्चों ने प्रश्न का उत्तर नहीं किया है या कुछ बच्चे नहीं कर पाए हैं, तो सिर्फ आपको ये बताना है यस और नो। ओके आज जो मैम क्लास करवाएंगी उसमें मुझे क्वेश्चन आंसर लिखवाने की जरूरत है अपने आप को? यस यस आप में से कुछ बच्चों ने बोला यस मैम, कुछ बच्चों ने बोला नो मैम। ओके बट मैं बता देती हूँ कि जिन बच्चों ने क्वेश्चन आंसर नहीं किया है उनको मैं वो वीडियो दोबारा से सेंड कर दूंगी, वो दोबारा से देख लेंगे वीडियो और क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैम वो क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी करवा चुकी हैं आपको, तो मुझे नहीं लगता है कि उसे दोबारा करवाने की जरूरत है। ओके सो प्रश्न एक और प्रश्न दो दोनों ही हो गया था, प्रश्न तीन भी आपका हो गया था, प्रश्न चार था आपको वाक्य बनाने के लिए मैम ने दिया था, जिसे मैम ने बोला था कि आपको करना है, और आपको फिर याद भी होगा कि ये पाठ भी हम लोग पढ़ रहे थे चतुर चीकू, है ना, कैसे ये अपनी नानी के घर जाता है और नानी के घर वापस आने के लिए ये उपाय सोचता है, ये चतुर चीकू है। तो चतुर चीकू पाठ का हम लोग आज रिवीजन करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चतुर चीकू खरगोश जो है, एक कहानी जो है, एक खरगोश की कहानी है, इसका नाम चीकू होता है उस खरगोश का, वो बहुत चतुर होता है और वो अपनी नानी के घर जाना चाहता है। जब वो नानी के घर जाना चाहता है तो अपनी मम्मी से परमिशन लेता है, उसकी मम्मी को पता होता है कि उसका बेटा जो है वो चालाक है, सो वो जा सकता है बिना किसी डर के। और ये है इस पाठ के हमारे नए शब्द, जिसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि नए शब्द वो शब्द होते हैं जो हम पहली बार जिनसे मिलते हैं, जिनसे हमारी मुलाकात पहली बार होती है और उसका अर्थ हमें नहीं पता होता है। तो हो सकता है इस पाठ में और भी ऐसे शब्द होंगे, ठीक है, जो आपको नए लगे, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। चतुर चीकू, चीकू खरगोश की नानी का गांव बहुत दूर था, रास्ते में बहुत बड़ा जंगल था। एक दिन चीकू अपनी माँ से बोला, माँ मैं नानी के घर जाऊंगा। उसकी माँ बोली, रास्ते में जंगल है, जंगल में शेर चीता भालू भेड़िया जैसे जानवर हैं, कोई भी पकड़ कर खा जाएगा। चीकू बोला, माँ मैं इन सब से बचकर चला जाऊंगा। चीकू की माँ को पता था कि उसका बेटा चतुर है, इसलिए वह बच जाएगा। उसने एक पोटली में चीकू के लिए रोटी बांध दी। चीकू नानी के गांव चल दिया। उसने, क्या हो रहा है प्रेरणा कुमारी, क्यों परेशान कर रही हैं आप अपनी माँ को? तो इस तरह से अभी हमने पढ़ा चीकू। यशस्वी आर्या अच्छे से बैठिए, कैमरा अच्छे से रखिए। सो अभी तक की कहानी में हमने क्या पढ़ा है कि चीकू जो है अपनी नानी के घर जाता है, नानी के घर जाने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है।
ये है चीकू और ये देखो चीकू जंगल से जाते हुए जाएगा अभी। फिर इस कहानी को हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेती हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, जब चीकू जंगल में पहुंचा तो उसे एक लोमड़ी मिली। चीकू जब जंगल में पहुंचेगा, चलो जंगल में से पहुंचाते हैं। जब चीकू जंगल में पहुंचा तो उसे एक लोमड़ी मिली। चीकू को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, खुश हो गई, क्या आज तो खाने को मिलेगा। वह बोली, इतना सुंदर खरगोश तो मैंने पहले कभी नहीं देखा नहीं, आज तो मैं तुझे खाऊंगी। चीकू ने क्या आइडिया लिया, चीकू फिर उससे बचने के लिए, चीकू बिल्कुल नहीं डरा। वह बोला, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा। ये मैंने आप लोग करवाया है, तो आप लोग बोलिए साथ में, मोटा होकर आऊंगा तब तुम मुझको खा लेना। लोमड़ी ने क्या किया, उसे जाने दिया। लोमड़ी ने उसे जाने दिया, ठीक है जाओ, एक महीने बाद मैं यही मिलूंगी। लोमड़ी ने क्या बोला, मैं यही मिलूंगी। चीकू बोला, बहुत अच्छा। चलते चलते चीकू को एक भेड़िया मिला। भेड़िया ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे छोड़ दो। किसने कहा, चीकू ने कहा। भेड़िया बोला, क्यों? चीकू ने कहा, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। उसने लोमड़ी को भी वही बात बोली जो उसने लोमड़ी को बोली, वही उसने भेड़िया को भी बोली। उसके बाद फिर वो यही चीज बोल करके आगे आगे बढ़ता है, और आगे आगे बढ़ते हुए वो मोटा होकर आऊंगा तब तुम मुझको खा लेना। फिर भेड़िया बोला, मेरे साथ धोखा नहीं करना। क्या बोला, मेरे साथ धोखा मत करना, मतलब कि बोल करके और लापता नहीं हो जाना। चीकू बोला, तुझसे धोखा करके मैं कहाँ जाऊंगा, एक महीने बाद मुझे यही मिलना है। इस तरह चीकू बचता हुआ नानी के घर पहुंच गया। इस तरह चीकू ने अपने सारे ट्रिक्स भिड़ाए, सारे आइडियाज लिए, और वो अपनी नानी के घर पहुंच गया। जब वो नानी के घर पहुंचा तो उसने नानी को सारी बातें बताई कि वो किस तरह से स्कूल में गया, ठीक है, सॉरी किस तरह से वो नानी के घर आया है, ये सारा कुछ बताया। चीकू को देखकर नानी जो है चीकू को देखकर नानी बहुत खुश हुई। उसने नानी को जंगल की सारी बातें बताई। नानी के घर में चीकू रोज मीठी मीठी गाजर खाता, तरह तरह के फल खाता, मिठाई खाता, वह दूध भी पीता था और मलाई भी खाता, दूध मलाई खाता। वह सचमुच मोटा हो गया। एक दिन उसने नानी से अपने घर जाने के लिए कहा। नानी रोने लगी। चीकू ने नानी को अपनी चाल बताई। वह मान गई। कौन मान गई? नानी मान गई। उसने चीकू के लिए एक ढोलक मंगवाई, उसे एक पुड़िया दी। ढोलक में बैठकर चीकू अपने घर चल पड़ा। ये ढोलक में कौन बैठा? ढोलक में चीकू बैठा, और चीकू बैठ करके अपने घर की तरफ चल गया। और रास्ते में जंगल में उसे कौन कौन इंतजार कर रहे थे जिसको वो बोल के आया था? एक तो लोमड़ी थी और एक भेड़िया, दोनों उसका रास्ते में इंतजार कर रहे थे। चलो देखते हैं फिर क्या होता है।
ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जंगल में पहुंची, उसे पहले भेड़िया मिला। ढोलक देख कर वह उसके पास पहुंचा, ढोलक में से आवाज आई, चल मेरी ढोलक टिम्बुक्तु टिम्बुक्तु भाई टिम्बुक्तु। ढोलक चल पड़ी, भेड़िया देखता रह गया। इस तरह चीकू बचता हुआ अपने घर के पास पहुंच गया। लोमड़ी ढोलक को देखकर उसके पास गई, ढोलक में से आवाज आई, क्या आवाज आई, चलो बोलो सर, चल मेरी ढोलक टिम्बुक्तु टिम्बुक्तु भाई टिम्बुक्तु। लोमड़ी समझ गई कि चीकू ढोलक में छिपा हुआ है। उसने ढोलक को पंजे से फोड़ दिया। चीकू ने तुरंत मिर्च की पुड़िया खोली और लोमड़ी की आंखों की ओर फेंक दी। आंखों में मिर्च गिरते ही लोमड़ी चिल्लाती हुई जंगल की ओर भागने लगी। चीकू बचकर अपने घर में घुस गया। माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। देखा एक छोटा सा चीकू किस तरह सारे जानवरों को धोखा देते हुए नानी के घर पहुंचता है और फिर नानी के घर से वापस अपने घर को भी चला जाता है। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे, ठीक है? तो प्रश्न अभ्यास में पहला क्या है, दिए गए प्रश्नों देखो, पहला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। चीकू किसका नाम है, पहला प्रश्न क्या है, चीकू किसका नाम है, आंसर क्या है, चीकू किसका नाम है, चीकू खरगोश का नाम है। चीकू कैसा बेटा था, चीकू चतुर बेटा था, कैसा बेटा था चीकू, चीकू चतुर बेटा था, चीकू अच्छा बेटा था। चीकू की माँ ने पोटली में क्या बांधा, चीकू की माँ ने पोटली में क्या बांधा था, रोटी। लोमड़ी ने पंजे से क्या फोड़ा, लोमड़ी ने पंजे से ढोलक को फोड़ा, ढोलक। नानी ने चीकू को पुड़िया में क्या दिया, नानी ने चीकू को पुड़िया में मिर्च दिया था, मिर्च का पाउडर दिया था। तो ये है आपका प्रश्न एक। अब प्रश्न दो क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ओके, अब हमें क्या करना है, इनके उत्तर एक वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है, पोटली लेकर चीकू कहाँ चला, पोटली लेकर चीकू कहाँ चला, पोटली लेकर चीकू नानी के घर चला। इसका आंसर क्या होगा, पोटली लेकर चीकू नानी के घर चला। पोटली लेकर कहाँ चला, वो नानी के घर चला।
ओके इसके बाद है प्रश्न दो जो है, प्रश्न ख, उसके बाद ख, चीकू को रास्ते में कौन कौन से जानवर मिले? आंसर है चीकू को रास्ते में सबसे पहले कौन मिली थी? लोमड़ी, लोमड़ी और भेड़िया मिला। चीकू को कौन कौन मिला था? लोमड़ी और भेड़िया। उसके बाद ग आंसर है, क्या है ग? चीकू ने नानी के घर पर क्या क्या खाया? अरे बाबा, चीकू ने नानी के घर पे क्या क्या खाया? ताजा ताजा गाजर, ताजा गाजर खाया था, दूध मलाई खाया था, दूध मलाई दूध मलाई फल भी खाया था, है ना, मिठाई भी खाया था, इस तरह से वो बहुत सारी चीजें खाया था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें खाया था, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है घ, घ प्रश्न है, लोमड़ी चिल्लाती हुई जंगल में क्यों भाग गई? आंसर क्या है? लोमड़ी चिल्लाती हुई, है ना, लोमड़ी चिल्लाती हुई जंगल में भाग गई क्योंकि क्योंकि उसकी आंखों में
मिर्च क्योंकि उसकी आंखों में चीकू ने मिर्च डाल दिया था। चीकू ने मिर्च डाल दिया था। उसके बाद अंग है, चीपू के घर पहुंचते ही माँ ने क्या किया? माँ ने चीपू को गले से लगा लिया। माँ ने चीकू को गले से लगा लिया। तो चिल्ड्रेन ये क्या है? ये है आपका प्रश्न उत्तर, ठीक है। मैम इसको और बड़ा कर दे रही हैं। ये सारे प्रश्न उत्तर आप लोग लिख लिए। और प्रश्न तीन जो है ये आपको खुद से करना है। पाठ के आधार पर वाक्य पूरा करो, प्रश्न तीन है, इसे आपको करना है। देखिए पाठ तीन, प्रश्न तीन और प्रश्न चार, ये दोनों आपको खुद से करना है, ठीक है। और मैम ने जो प्रश्न उत्तर लिखवाया था वो प्रश्न उत्तर आपको लिखना है। मैम ने लिखा है उसके साथ तो आप लिख नहीं पाए होंगे, तो आप क्या करेंगे, या तो YouTube देखेंगे जो लिंक मैम क्लास में भेजेंगी, या फिर आप बुक में से उसके आंसर ढूंढ करके कंप्लीट करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, सो आज की क्लास में इतना ही। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके बोल दे। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बोल सकता है। मैम 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 नहीं लिख पाया। मैम क्वेश्चन आंसर नहीं किया हूँ, तो आप बुक में पीछे जाएंगे और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बुक में पीछे पलट पलट करके क्वेश्चन आंसर खुद से ढूंढेंगे। मैम ने आपको बता दिया तो एक आइडिया आपको मिल गया है। अब आंसर पीछे बुक में से निकालेंगे और ये और भी अच्छा होगा कि आप बार बार बुक को पढ़ेंगे इससे, ठीक है। और माधुरी की कॉपी पूरी कर लेंगे आप लोग। ऑलमोस्ट सिलेबस में हमने कंप्लीट कर दिया है और कॉपी करेक्शन स्टार्ट करेंगे। सो ऑल स्टूडेंट्स
कंप्लीट योर वर्क. ओके बाय बाय चिल्ड्रेन.